कश्मीर घाटी के जिला गांदरबल में पीडीपी और कांग्रेस पार्टी द्वारा कुलगाम ब्लॉक में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी कोटे के तहत आगामी उपचुनाव को आरक्षित करने का फैसला गलत इरादे से लिया गया फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा गुंड और कंगन तहसील में ओबीसी श्रेणी में कश्मीरियों की बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। फैजाने गुसिया दारुल उलूम कुलम चिनार ने हजरत मोहम्मद के जन्म पर मिलाद रैली का आयोजन किया। ये रैली दारुल उलूम फैजाने गुसिया से डोरू और वेरीनाग के लिए जुहर की नमाज के बाद शुरू हुई और बाटागुंड जमाल ग्राम और मुख्य चौक डोरू से होते हुए वापस लौटी। इस रैली का नेतृत्व मौलाना ओवैस कादरी और अन्य मौलानाओं द्वारा किया गया जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उपजिला खोड़ के सीमावर्ती क्षेत्र बरडो में मोबाइल टावर का काम शुरू होने पर बरडो के लोगों ने जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा और भारतीय युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि यहां कई नेता मंत्री भी बने पर मूलभूत सुविधा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं, ऑनलाइन एडमिशन करवानी होती है, पेटीएम करना हो तो 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज के हालातों में शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई है, अब इसके लगने से हमें बहुत सुविधा मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव, जिला विकास परिषदों सहित अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव 28 नवंबर से शुरू होंगे। चुनाव आयुक्त के शर्मा ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव 8 चरणों में 28 नवंबर से शुरू होंगे। इसके अलावा जिला विकास परिषद और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी 28 नवंबर को ही होंगे। जम्मू में जल शक्ति विभाग में कार्यरत डेली वेजरों का सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। हड़ताली कर्मियों ने सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए अपनी काम छोड़ो हड़ताल को 72 घंटों के लिए आगे बढ़ा दिया है। कर्मियों ने रोष भरे स्वर में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है। भाजपा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए परंतु वास्तविकता ज्यों की त्यों है। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब भी उन्हें स्थायी नियुक्ति बकाया वेतन जारी करने की मांग को लेकर धरना हड़ताल प्रदर्शन करने पड़ते थे। अब जबकि ये केंद्र शासित के अधीन आ गया है उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। कश्मीर घाटी में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है जिसने जम्मू कश्मीर में मौसम को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ का ये प्रभाव कुछ समय के लिए ही रहेगा, यानी अगले 48 घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निचले इलाकों में हल्की बारिश जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि उन्हें मंथली बेस पर वेतन दिया जाए और पिछले 8 महीनों का बकाया जल्द रिलीज किया जाए। वो पिछले 1 महीनों से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है पर कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिवसीय नेपाली दौरे पर काठमांडू पहुंचे हैं। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवणे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरनचंद थापा से मुलाकात करेंगे। वो नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 512 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 536 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1511 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा जहां कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 326 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,700 हो गई है। जिला शोपिया में हुए भूमि विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत को लेकर उनके परिवार वालों द्वारा
श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई बल्कि अधिकारियों के इशारे पर गुंडों के पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा, हमारा एक अन्य के साथ भूमि विवाद था और उस भूमि पर कब्जा करने एक दर्जन से ज्यादा गुंडे पहुंचे। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इसके बाद परिवार वालों ने उसके शव को उसी विवादित भूमि में सुपुर्द खाक कर दिया और कहा कि ये भूमि उन्हीं की है।